बिफोर वी बिगिन, मैं आपको हमारे स्टडी आईक्यू के अपग्रेडेड पेन ड्राइव कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। दे आर अवेलेबल फॉर KVS, CLAT, CGL 2017, होटल मैनेजमेंट 2017, रेलवेज। अगर आप इन सब एग्जाम्स के बारे में सीरियस हैं तो कॉल अस ऑन दिस नंबर दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन। दिसंबर 2016 की योजना मैगजीन का थीम है साइंस फॉर डेवलपमेंट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, हम जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कवर करेंगे और साथ में MCQs भी कवर करेंगे उन आर्टिकल से रिलेटेड, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फ़ायदा हो। ये ऑफकोर्स एक नया इनिशिएटिव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो जो पहला आर्टिकल है उसका टाइटल है स्ट्रेंथनिंग द SNT रोड मैप। ऑफकोर्स SNT का मतलब यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। आर्टिकल लिखा है आशुतोष शर्मा जी ने। ये कौन है? ये है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है? अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? आपको पता होना चाहिए। ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये मिनिस्टर हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके अलावा अर्थ साइंसेस के भी हैं। सो इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, अब सिंस एक मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है तो ये मत समझिएगा कि छोटी चीज़ है। अपने आप में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिपार्टमेंट ने कई इनिशिएटिव्स शुरू कर रखे हैं जिससे देश को काफ़ी फायदा होता है। सो चलिए पहले देखते हैं कि इनिशिएटिव्स क्या क्या ले रखे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जिसके सेक्रेटरी हैं आशुतोष शर्मा जी। ऑफकोर्स आपको पता होगा सेक्रेटरी एक सर्टन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। मेजर इनिशिएटिव्स बाय DST। देखिए, DST पार्टनर करता है विद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब मिनिस्ट्री बना दी गई है। हाँ, पूरे डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री बना दी थी 2016 में, तो अब ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो है रविशंकर प्रसाद जी, ये कैबिनेट मिनिस्टर है वहाँ पे। ये यहाँ पे लोगो देख सकते हैं आप इसका। तो यहाँ पे आगे लिखा है कि DST पार्टनर करता है विद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन। क्यों? ताकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाया जा सके पूरे देश में सुपर कंप्यूटर्स का, जिसमें 70 से ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी हो। अब आगे ज़रा और देखते हैं, ये सुपर कंप्यूटर्स वाला जो इनिशिएटिव है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो और देखते हैं पॉइंट्स के हिसाब से कि ये किस तरीके से काम करेगा। अब देखिए, DST और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है ऑल ओवर द कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस बनाना। अब इस इनिशिएटिव से फ़ायदा किसको मिलेगा? इसको, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को। देखिए, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को अप्रूवल मिली थी 2015 में और गवर्नमेंट ने इसको बजट दिया था, इस मिशन को बजट दिया था 4500 करोड़ रुपीज़ का फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल के लिए 4500 करोड़ रुपीज़। तो सीधी सी बात है, जब ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलके काम करेंगे तो इवेंचुअली नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को और सहारा मिलेगा। और ये सहारा इस मिशन को चाहिए क्यों? क्योंकि देखिए, सुपर कंप्यूटर्स की जहाँ तक बात आती है उसमें इंडिया की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसके इकोनॉमिक स्टैचर के हिसाब से बहुत कमज़ोर है। इस वक्त जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें इंडिया के सिर्फ 9 हैं। जो आप समझ पा रहे होंगे, इंडिया का जो इकोनॉमिक क्लाउड है, इंडिया की जो एक माइट है दुनिया में, उसके हिसाब से काफ़ी ख़राब है। और ऑफकोर्स इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स USA के हैं। अब चलिए, हम सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे थे तो आगे बढ़ने से पहले सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड एक छोटा सा MCQ कर लेते हैं। इन 4 ऑप्शंस में से इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ओके, होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके। आंसर है इसका सेकंड, परम 8000। परम 8000 इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, हमने रशियन सहायता से इसको बनाया था। अच्छा, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की हेल्प करने के अलावा DST और क्या क्या करता है? बहुत कुछ करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है रिवर्सिंग ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन ग्रेन। देखिए, ब्रेन ड्रेन आपको पता है, इंडिया ब्रेन ड्रेन का शिकार रहा है बहुत ही लंबे अरसे तक। ब्रेन ड्रेन में होता क्या है? हमारे यहाँ से टैलेंटेड
नॉलेजेबल लोग एक बेटर लाइफ के लिए अमेरिका या डेवलप कंट्रीज कह लीजिए, कोई भी डेवलप कंट्री शिफ्ट हो जाते हैं, तो उससे होता क्या है, हम वो इंसान, वो इंडिविजुअल जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता था वो कहीं और जा रहा है। तो अब इस ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में कैसे हम चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, उनको अच्छे रिवॉर्ड्स देकर और उनको एक लुक्रेटिव ऑफ़र देकर, ताकि वो हमारे देश में ही रहें और हमारे देश में ही रिसर्च करें। तो उसके लिए भी एक अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड स्कीम भी प्रोवाइड करी गई है फॉर यंग रिसर्चर्स हु आर इन देयर अर्ली करियर और एक्साइटिंग और इनोवेटिव रिसर्च कर रहे हैं इन द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये अवार्ड में 50 लाख तक के ग्रांट्स मिलते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। उसके अलावा औरतों के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है किरण के नाम से। किरण एक एक्रोनिम है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एंड एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग का। इस प्रोग्राम के अंडर उन फीमेल साइंटिस्ट की मदद की जाती है या फीमेल रिसर्चर्स की मदद की जाती है जिनके करियर में एक ब्रेक आ गया था ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये प्रोग्राम उनको एनकरेज करता है टू टेक अप रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप में भी हाथ आजमाने को अगर उनका मन करे। आगे कुछ ग्लोबल मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जिसमें अगेन DST बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। 30 मीटर टेलीस्कोप, ये देखिए अभी इस वक्त तो प्लान है कि हवाई एक आइलैंड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वहाँ पे माउना किया पे 30 मीटर टेलीस्कोप नाम का एक बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप बनाने का प्रोजेक्ट है। इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन होगा 1299.8 करोड़ रुपीस। ऑफ कोर्स DST और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कवर करेगा ये सारी कॉस्ट। हालांकि इंडिया के अलावा और भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, US इटसेल्फ क्योंकि हवाई में ही बन रहा है, और उसके अलावा चाइना भी होगा, कनाडा भी है, जापान है, ये सारे देश कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस 30 मीटर टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन में। हालांकि मैं आपको ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यही बता देता हूँ कि अभी हवाई में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है इस 30 मीटर टेलीस्कोप को लेकर, तो चांसेस हैं, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि शायद ये 30 मीटर टेलीस्कोप किसी और देश में भी शिफ्ट किया जा सके। उसमें दो ऑप्शन इस वक्त दिख रही हैं, एक स्पेन, दूसरा इंडिया। इंडिया में लद्दाख में शायद ये 30 मीटर टेलीस्कोप आ सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये दिखता कैसा है। ये है फोटो 30 मीटर टेलीस्कोप की, एंड एज यू कैन सी इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। काफ़ी अच्छा रहेगा अगर ये इंडिया लद्दाख में आ जाए, एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी अपने आप में। ये आपको याद रखना 30 मीटर टेलीस्कोप जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी उनके बारे में और इंडिया कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और आई वुड सजेस्ट यू इसके बारे में थोड़ा अपडेटेड भी रहिएगा कि इसके बारे में शायद न्यूज़ आएगी कि यह हवाई में ही रहेगा या फिर किसी और देश में इसको शिफ्ट किया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे यह भी बताया गया है कि इंडिया रिसेंटली CERN काउंसिल में एज एन एसोसिएट मेंबर भी एडमिट हो चुका है। तो अब इसका यह मतलब है कि थोड़ा खर्चा भी और करना पड़ेगा इंडिया को एक सर्टन अमाउंट देना पड़ेगा फॉर रिसर्च एक्टिविटीज़, इंक्लूडिंग एक एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 11.5 मिलियन स्विस फ्रैंक्स टू CERN। तो ये हर साल इतना हमें CERN को देना पड़ेगा सिंस हम एक एसोसिएट मेंबर बन गए। हालांकि मैं बता दूं अभी भी टेक्निकली इंडिया बना नहीं है, आई थिंक नेक्स्ट ईयर के आसपास ऑफिशियली बन जाएगा। अभी भी जो इंडिया की मेंबरशिप रिक्वेस्ट है वो कुछ हद तक लास्ट में उसकी फॉर्मेलिटीज़ होनी बाकी है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक एसोसिएट मेंबर है, जी हाँ, हमसे पहले बन चुका था पाकिस्तान। और स्लोवेनिया ने भी रिसेंटली दिसंबर में ही न्यूज़ आई थी, स्लोवेनिया यूरोप का एक देश है, उसने भी CERN का एसोसिएट मेंबर बनने की एक एप्लीकेशन दी है और शायद स्लोवेनिया को भी एक और एसोसिएट मेंबर बना दिया जाए, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। CERN के बारे में आपको मेन याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और स्पेसिफिक पूछे तो मेरिन जिनेवा स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो मैंने जो न्यूज़ की हेडलाइन थी ये भी डाली है यहाँ पे, स्लोवेनिया साइंस CERN एसोसिएट मेंबरशिप अग्रीमेंट। तो इससे भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है कि कौन सा यूरोपियन देश है जिसने रिसेंटली एसोसिएट मेंबर के लिए अप्लाई किया है। और उसके अलावा CERN में आपको ये भी जानने की ज़रूरत है, यहाँ पे शिवा की, लॉर्ड शिवा की एक बहुत ही खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे एक स्टैचू लगा रखा है CERN में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CERN की फ़ोटो है, और यहाँ पे लॉर्ड शिवा का जो फेमस स्टैचू है ऑल ओवर द वर्ल्ड, काफ़ी फेमस हुआ था ये, वो भी है। तो इससे भी आ सकता है कि कौन से हिंदू गॉड का स्टैचू CERN में लगा रखा है, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे इसका आंसर होगा लॉर्ड शिवा।
एंड ऑफ कोर्स मैं ये बताना भूल गया कि इस सब से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या कनेक्शन है। देखिए, जो भी हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर CERN जाते हैं वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करने के लिए, तो उस सब रिसर्च का जो खर्चा है वो DST और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी उठाता है। अच्छा, अभी हमने CERN डिस्कस किया, CERN से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा इससे कुछ प्रीलिम्स में आ सकता है। ओके, आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन फॉल्स है, बाकी तीन सही है। ओके, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। अब आंसर बता रहा हूँ इसका। देखिए, पहली स्टेटमेंट, CERN इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल हाँ सही है। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब जो इंटरनेट है उसका जो जन्म हुआ था CERN में हुआ था। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है CERN की वो इंग्लिश और जर्मन है। देखिए, दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो हैं CERN की, मगर वो इंग्लिश तो है मगर जर्मन नहीं है, फ्रेंच है। तीसरी स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, 62 ईयर्स अगो 1954 में CERN का जन्म हुआ था और डायरेक्टर ऑफ CERN यही है फेबियोला। आगे आर्टिकल में लीगो के बारे में भी लिखा गया है। लीगो एक्रोनिम है फॉर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटोरी। देखिए, लीगो इंडिया का जो प्रोजेक्ट होगा वो कौन पायलट करेगा? ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड आर ट्रस्टेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST। ये ऑब्जर्वेटोरी ऑब्जर्व क्या करेगी? ऑब्जर्वेटोरी है तो कुछ ऑब्जर्व ही करेगी। ये काम करेगी ऑन सेंसिंग ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, मैं ब्रीफली जितना भी समझा पाऊँ कुछ एक दो मिनट में समझाने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली क्या होगा इसके अंडर, एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटोरी बनेगी इंडिया में इन कोलैबोरेशन विद US बेस्ड लीगो लेबोरेटोरी रन बाय कैलटेक एंड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पे आर्टिकल में लिखा है कि ये तीसरी ऐसी ऑब्जर्वेटोरी होगी दुनिया में, मगर अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो पता लगेगा एक्चुअली में ये फिफ्थ ऐसी ऑब्जर्वेटोरी होगी। बट इससे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि कितनी ऐसी ऑब्जर्वेटोरीज हैं दुनिया में। मेन ये पूछ सकते हैं कि इसके एक्रोनिम की फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके अलावा ग्रेविटेशनल वेव सेंस करेगी ये। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, ऑफकोर्स लेट्स हैव अ लुक एट दैट। देखिए, ग्रेविटेशनल वेव्स की बात सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी कई दशकों पहले। उन्होंने बताया था कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है और इतनी डेंस चीज़ें फ्लोट कर रही है स्पेस में, तो ऑब्वियसली वो जब टकराएंगी तो कुछ वेव्स बनेंगी, तो उस फैब्रिक में वो जो वेव्स होंगी उनका असर दिखेगा। एज यू कैन सी, अर्थ भी एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है और ये भी अपने आसपास का जो ये फाइबर होता है उसको अफेक्ट करती है। नाउ, अब ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे बनती हैं? एग्जाम्पल के लिए, अगर एक दो बहुत ही बड़े मैसिव ब्लैक होल्स आपको पता ही होगा, ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इनके टकराने से एक तरीके से रिपल्स क्रिएट होंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होंगी। वो ग्रेविटेशनल वेव्स दूर तक एक महसूस की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पानी की बूंद गिरती है तो एक वेव्स क्रिएट हो जाती है, उसी तरीके से ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होती हैं और इन्हीं वेव्स को डिटेक्ट करती है लेजर इंफरमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटोरी, जो अब इंडिया में भी बनेगी। अच्छा, सबसे बड़ा आपको क्या लगता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट करने वाला जो इवेंट था क्या था? इट वॉज द बिग बैंग। जब ब्रह्मांड बना, जब बिग बैंग हुआ, तब बहुत सारी ग्रेविटेशनल वेव्स बनी थी। इसके अलावा यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? ये नियर नैनीताल। नैनीताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये एशिया का सबसे बड़ा स्टीयरेबल इमेजिंग टेलीस्कोप है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, मैं थोड़े और डिटेल कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे ये। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इंडो बेल्जियन कोलेबोरेशन थी ये, और साथ में रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज ने भी मदद की थी इसमें। और जब इसको स्विच ऑन करने का टाइम आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियन काउंटर पार्ट चार्ल्स माइकल ने इसे स्विच ऑन किया ऑन March 30th। और मेन आपको याद रखना है कि ये है कहाँ पे, उससे क्वेश्चन आएगा, उसके आगे इतना नहीं पूछेंगे। फाइनली यहाँ पे डू यू नो सेक्शन भी था, मैंने कहा वो भी कवर कर लेता हूँ। सूर्य ज्योति एनर्जी एफिशिएंट लैम्प के बारे में बात की गई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सूर्य ज्योति इज़ अ लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट लैम्प, कम खर्च में बनाया गया है फॉर अर्बन स्लम, जो अर्बन एरियाज़ होते हैं हमारे बड़ी शहर दिल्ली मुंबई वहाँ पर जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए, और गांव में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली आती नहीं है। लैम्प कैसे काम करता है? दिन में लाइट कैप्चर कर लेता है और कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन सेविंग इट इनसाइड, जो बाद में भी रात को यूज़ की जा सके।
डिवाइस लीक प्रूफ है और 4 घंटे तक कंटिन्यूसली काम कर सकता है सूरज ढलने के बाद भी। इसको डेवलप किसने किया है, मेन बात ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूरे आर्टिकल में ही DST छाया हुआ है। एंड सूर्य ज्योति लैम्प यूज़ किया जाएगा बाय 10 मिलियन ऑफ ग्रिड हाउसहोल्ड्स। और आपको ये मेन याद रखना है कि 3 मोड होते हैं इसके, डे लाइट विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रात का टाइम विदाउट सोलर PV, और फिर रात का टाइम विद कन्वेंशनल ग्रिड आफ्टर 17 आवर्स ऑफ ऑपरेशन। इससे शायद बहुत मुश्किल क्वेश्चन अगर उनको बनाना होगा तो पूछ सकते हैं। तो एंड दैट्स अबाउट इट, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट सूर्य ज्योति। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल का टाइटल है डिफेंस एप्लीकेशंस फॉर सिविलियन सेक्टर। अच्छा, आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार राइटर के बारे में बता देता हूँ आपको। ये राइटर हैं इस आर्टिकल के डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। रेड्डी साहब इस वक्त साइंटिफिक एडवाइज़र हैं टू रक्षा मंत्री। इसके अलावा Agni-5 मिसाइल, जो देश का सबसे पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था, उसको डिज़ाइन और डेवलप करने में भी इनकी बहुत ही अहम भूमिका थी, इन्होंने पूरी टीम को लीड किया था। उसके अलावा जो हमारा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम है उसमें भी इनका हाथ है, और जो हमारा फर्स्ट गाइडेड बॉम्ब था उसमें भी इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। ये पहले साइंटिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया जिनको सिल्वर मेडल मिला रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम में। बहुत बड़ी बात है, 100 सालों तक किसी भी और इंडियन को ये सिल्वर मेडल नहीं मिला था रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी में, और ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू डू दिस इन 100 ईयर्स। यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेज से एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी निकाली है इनके बारे में, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी अचीवमेंट्स इन्होंने करी है इन ए शॉर्ट करियर, अभी भी काफ़ी यंग है। मोरओवर देखिए, मैं ये मानता हूँ दीज पीपल आर द अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया। अनसंग हीरोज कौन होते हैं? देखिए, अनसंग हीरोज वो होते हैं जिनकी गाथाएँ नहीं गाई जाती, जिनको ज़रा ग्लैमराइज नहीं किया जाता। कभी आप इनको किसी एडवर्टीजमेंट में नहीं देखेंगे, कभी ट्विटर पे हज़ारों लाइक्स नहीं आएंगे इनकी ट्वीट्स पे, बट ये चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर देश को और ज़रा स्ट्रांग बनाने में काम करते रहते हैं। एंड आई रियली थिंक कि हमें ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको और ज़रा अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, सिंस हम अभी Agni-5 मिसाइल के बारे में बात कर रहे थे जिसमें रेड्डी साहब ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, Agni-4 से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं Agni-4 मिसाइल से रिलेटेड, कि Agni-4 सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लिक्विड प्रोपेलेंट से ही चलता है और 7500 किलोमीटर तक वार कर सकता है। बताइए इसमें से, इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओके, होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया हुआ ये क्वेश्चन। देखिए, स्टेटमेंट 2 सही नहीं है क्योंकि लिक्विड नहीं सॉलिड प्रोपेलेंट से चलता है। सेकेंडली, उसकी जो रेंज है अराउंड 4000 के आसपास है, 7500 किलोमीटर्स नहीं है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ओनली वन, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं। देखिए, लिखा है एज पर SPRI डाटाबेस। SPRI क्या है? SPRI एक्रोनिम है फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम राजधानी कहाँ की है? स्वीडन की। तो ये एक डाटाबेस बनाता है कि दुनिया में डिफेंस पे कितनी स्पेंडिंग की जा रही है। तो इसके डाटाबेस के अनुसार दुनिया की जो टोटल GDP है उसका 2.3% डिफेंस स्पेंडिंग पे खर्च किया जाता है। 2.3% दुनिया की टोटल GDP का कितना है? 1676 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। अब देखिए, इसमें से इस अराउंड 1600 जो बिलियन डॉलर्स हैं, इसमें से 600 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ USA ही खर्च देता है, और उसके अलावा चाइना को ऐड कर दो तो चाइना अकेले 215 बिलियन डॉलर्स खर्च कर देता है। तो इसमें तो मेजर जो चंक है इन्हीं दो देशों का है, और इंडिया को अलग से देखें तो अराउंड 50 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च करता है। इस साल आई थिंक 51 के आसपास था। आगे यहाँ पे लिखा है कि इंडियन डिफेंस R&D होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऑफकोर्स जो हमारे इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उन पर काम किया जाता है। तो ये इसमें सिर्फ इंडिया 6% खर्च करता आया है फॉर मेनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक सिर्फ 6% खर्च करता आया है, ये आर्टिकल में लिखा है। वेयर एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खर्च करता है 15%। अच्छा, 15% भी किसका? 600 बिलियन का। और आगे लिखा है UK 8% खर्च करता है, चाइना 15% खर्च करता है। अब अगेन, 15% किसका? 215 बिलियन डॉलर्स का।
तो इंडिया 6% खर्च करता है 50 बिलियन का, और ये 15-15% खर्च करते हैं 600 बिलियन और 215 बिलियन का रिस्पेक्टिवली। और आगे यहाँ पे लिखा है कि यही लिखा है कि सारे कंट्रीज़ का ऑलरेडी जो मिलिट्री बजट है इंडिया से ज़्यादा है, ऑफ कोर्स इसराइल को छोड़ के। इसराइल का भी जो डिफेंस बजट है वो इंडिया से कम है, बट स्टिल इसराइल 9% खर्च करता है अपना जो टोटल डिफेंस बजट होता है, उसमें से 9% खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो आगे ऑथर बहुत ही खूबसूरती से अपना पॉइंट पुट करते हैं ये सारे डाटा से। वो कहते हैं ये जो पूरा सारा डाटा है, इससे हमको ये पता लगता है कि जो डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट होती है बहुत ज़रूरी होती है एक देश के लिए, एक देश की इकोनॉमी के लिए। क्योंकि अगर आप पहले R&D पे खर्च नहीं करोगे, अगर आप पहले जो कंट्री की डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी है उस पर खर्च नहीं करोगे, तो आगे जाकर आपको इम्पोर्ट में खर्च करना पड़ेगा, वो उल्टा ज़्यादा आपको महंगा पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री को टाइमली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे रेगुलरली इन्वेस्ट करना, ताकि आगे जाकर इंडिया की तरह हमको डिफेंस कोई इक्विपमेंट लेना होता है, कोई हमें एयरक्राफ्ट लेने होते हैं वो हम फ्रांस से लेते हैं या रशिया से ले रहे होते हैं, हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए तो वो भी रशिया से आएगा। सो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है एक देश दूसरे देश पे। और उसके अलावा GDP को भी नुकसान होता है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि GDP को नहीं देखा, जो देश होता है उसकी जनता को नुकसान होता है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि जो पैसा उन पे खर्च किया जा सकता था अब वो बाहर के देशों को दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टाइमली स्पेंड नहीं किया गया, और उसकी वजह से हमारे पास इंडिजिनसली बिल्ट डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है। आगे बात करिए कि जो R&D में इन्वेस्टमेंट है वो सिविल सेक्टर में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। देखिए, जो हमारा इंडिजिनसली बिल्ड डिफेंस सिस्टम है उसने एक पूरा पूल बना दिया है एरोस्पेस इंडस्ट्री का इंडिया में, जो आगे जाकर जो हमारी फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी उसमें मदद करेगी, उसको डेवलप करने में और ज़्यादा मदद करेगी। उसके अलावा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे आकाश वेपन सिस्टम का, जिसको प्रोडक्शन इसकी प्रोडक्शन में 20,000 करोड़ रुपये लग गए थे, मगर इसने बिजनेस प्रोवाइड किया है टू मोर देन 2000 MSMEs होती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सीधी सी बात है, इनको बिजनेस मिलेगा तो इवेंचुअली लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और उसके अलावा करीब 6 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी बिजनेस प्रोवाइड किया है आकाश वेपन सिस्टम की प्रोडक्शन ने। तो सीधी सी बात है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगी इसमें 20,000 करोड़ की हमने खर्चे, और काफ़ी इसमें पेशेंस भी रखनी होती है, क्योंकि कभी कभी ये इमीडिएटली इसमें सक्सेस मिलती नहीं है, मगर जब ये सक्सेसफुल होता है तो हमारे खूब सारे MSMEs को भी बिजनेस मिलता है, और इसके अलावा लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी फायदा मिलता है, जो एंड में हमारे जो युवा हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड करता है और स्किल डेवलपमेंट में बहुत ही पिवोटल रोल निभाता है। आगे यहाँ पे इंडिया US टेक्स समिट की बात की गई है। आपको मेन याद रखना है कि ये जॉइंटली इनॉग्रेट की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर थरेसा मे द्वारा, और जो फोकस था इस समिट का वो था एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स, लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर एंड स्मार्ट सिटीज। और उसके अलावा और जो समिट का हाई पॉइंट था वो ये था कि 2016 को कमेमोरेट किया गया एज इंडिया UK ईयर ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन। उसके अलावा इतना कुछ इसमें आएगा नहीं, मेन आपको ये याद रखना है, इससे में भी आने के चांसेस कम ही है, बट आई स्टिल कवर्ड इट एनीवे। नेक्स्ट आर्टिकल का टाइटल है स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन मैन। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें काफ़ी कुछ कवर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे स्पेस रेस के बारे में जो USSR और USA के बीच में हुई थी, बाद में इसरो की हिस्ट्री भी जानेंगे। आर्टिकल की शुरुआत में इन्होंने कुछ ये फैक्ट्स बताए हैं, आपको इसके बारे में बता होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ रॉकेट्स, देखिए जब हम स्पेस रेस की बात करते हैं या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो उसमें हिस्ट्री ऑफ रॉकेट्स बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री ऑफ रॉकेट्स कैन बी ट्रेस टू द 6th century। 6th century में पहली बार माना जाता है कि रॉकेट्स यूज़ किए गए थे। बहुत ही रूडिमेंट्री एलिमेंट्री एक इनिशियल स्टेज थी उस वक्त, और इसे चाइनीज़ ने यूज़ किया था सबसे पहले एज पार्ट ऑफ फायरवर्क्स, पटाखे जरा यूज़ होते हैं उस तरीके से यूज़ किए गए थे। बाद में 1782 में इंडिया में टीपू सुल्तान ने यूज़ किए रॉकेट्स फॉर मिलिट्री पर्पस, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट ब्रिटिश। जो ब्रिटिश उस वक्त ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में बहुत ही एक बड़ी जंग हुई थी, तो उस जंग में टीपू सुल्तान ने यूज़ किए थे रॉकेट्स। कहाँ पर, इन श्रीरंगापटना। श्रीरंगापटना कहाँ पे है, ये है मैसूर में। मैसूर कहाँ पे है, मैसूर है कर्नाटका में। अच्छा, आगे आर्टिकल में स्पेस रेस की बात की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट स्पेस रेस। देखिए, वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने के बाद दुनिया में दो सुपर पावर्स उभर के आई,
एक थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी थी यूएसएसआर जिसको हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। दोनों के बीच एक आइडियोलॉजिकल वॉर चली बहुत लंबे समय तक। आइडियोलॉजिकल वॉर क्यों? क्योंकि यूएस रिप्रेजेंट करता था एक कैपिटलिस्ट सिस्टम, पूंजीवाद, जहाँ पे फ्री मार्केट होती थी और प्राइवेट बिजनेसमैन को खुली छूट दी गई थी कि जितना आप अर्न कर सकते हैं आप करिए, और जो इकोनॉमी होगी लार्जली प्राइवेट कंपनीज ही उनको चलाएगी। दूसरी तरफ था यूएसएसआर जहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम अपनाया गया, जहाँ पे गवर्नमेंट डिक्टेट करेगी कि क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, और सारी पॉलिसीज में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी बहुत ही हाई लेवल पे। तो स्पेस रेस एक तरीके से दोनों के बीच में एक अरीना बन गया जिसमें वो एक दूसरे को हरा सकते थे इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोनों देश चाहते थे कि दूसरे देश को वो पीछे छोड़ दे इन टर्म्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके अपने लोगों का विश्वास बढ़ेगा उनकी आइडियोलॉजी पे। स्पेस रेस की शुरुआत आप तरीके से कह सकते हैं हुई थी स्पुटनिक से, इसको वैसे रशियन में स्पुतनिक भी कहते हैं। स्पुतनिक का वैसे मतलब होता है फ्रेंड या कंपेनियन, जो आपके साथ चलता है। स्पुतनिक पहला मैन मेड सेटेलाइट था जिसको अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। जब स्पुतनिक को सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया तो अमेरिकन्स ऑलमोस्ट घबरा गए थे। उनके न्यूज़पेपर में खबरें आती थी कि रशिया ने ये क्या चीज़ कर दी है, एक मैन मेड सेटेलाइट अब अर्थ को ऑर्बिट करती है। और रात को कई लोग अमेरिका के ऊपर स्पुतनिक को फ्लोट करते हुए देख पाते थे दूरबीन से। तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट इससे काफ़ी हद तक घबरा गई और उन्होंने डिसाइड किया कि नासा की फंडिंग उनको, एक्चुअली उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें नासा बनाना होगा। तो और स्पुतनिक के लॉन्च होने के बाद 1958 में अमेरिका ने बनाई नासा, और उसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे को बीट करने के लिए नए नए कारनामे करके दिखाए इन द स्पेस रेस। जैसे कि यूएसएसआर ने फिर से एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट करी यूरी गैगरिन को स्पेस में भेज के। यूरी गैगरिन थे फर्स्ट मैन इन स्पेस, पहला ह्यूमन बीइंग जो अंतरिक्ष में गया। उसके बाद फर्स्ट वुमेन इन स्पेस भी यूएसएसआर की थी, वो थी वेलेंटीना तेरेश्कोवा। तो यहाँ तक 1964 तक यूएसएसआर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा था यूएसए को इन द स्पेस रेस। कहीं भी यूएसए टिक नहीं पा रहा था यूएसएसआर के सामने, मगर अभी भी एक फाइनल फ्रंटियर बचा था, एक बड़ी ट्रॉफी जिसको जीत कर यूएसए पूरी की पूरी स्पेस रेस जीत सकता था। वो था मून में चांद पे एक इंसान को भेजना, और वो यूएसए ने करके दिखाया 20 जुलाई 1969 में, जब अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके क्रू को मून पे लेके गया और वो मून पे चले और फिर वापस धरती पे भी आए। वो माना जाता है सबसे बड़ा अचीवमेंट आज तक इन टर्म्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि इंसान धरती से बाहर भी निकला, चांद पे चला और फिर वापस भी धरती पे आ गया सेफली। और इसी तरीके और इसके बाद से अमेरिका ने एक बढ़त हासिल कर ली इन द स्पेस रेस जो आज तक अमेरिका ने मेंटेन की है। अब देखिए इससे क्वेश्चन भी बनता है कि पहली मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी थी जिसने मून को ऑर्बिट किया था। आपके सामने ऑप्शन है लूना 10 जो यूएसएसआर सोवियत संघ की थी, वॉयजर जो यूएसए की थी, स्पुतनिक जो यूएसएसआर की थी, और लूनिक 2 जो यूएसएसआर की थी। तो इसमें कौन सी लगता है आपको पहली आर्टिफिशियल मैन मेड सैटेलाइट थी जिसने एक मून का ऑर्बिट किया? देखिए इसका आंसर देखिए इसमें पहले ऑप्शन देखिए, यहाँ पे स्पुतनिक तो ऑब्वियसली होगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये हालांकि फर्स्ट मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी मगर ये मून को नहीं धरती को ऑर्बिट करती थी, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहली मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जिसने मून को ऑर्बिट किया वो सोवियत संघ की थी, यूएसएसआर की थी, तो यूएसए अपने आप ऑर्बिट हो जाता है। लूनिक 2 जो था वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं थी जो मून को ऑर्बिट करती थी, लूना 10 थी फर्स्ट मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसने मून को ऑर्बिट किया। आगे बात की गई है इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, इसकी शुरुआत हुई थी थुम्बा के समुद्र तट के पास 1963 में, जब इंडिया ने एक पहला रॉकेट लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि हमें जो विंड वायु की स्टडी करनी थी अपर एटमॉस्फेयर और आयनोस्फेयर में, बहुत ही हम्बल बिगिनिंग, कुछ मतलब ज़्यादा ग्लैमरस नहीं, कोई कुछ नहीं, दुनिया मून पे जाने की बात कर रही थी, लोग अंतरिक्ष में इंसान भेज रहे थे, मगर इंडिया की बहुत ही हम्बल एक स्मॉल स्टार्ट थी, मगर स्टार्ट स्मॉल थी, आगे जाके बहुत ही बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स करी। डॉक्टर विक्रम साराभाई की बात कही गई आगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रियलाइज़ किया कि इंडिया को रॉकेट्स डेवलप करने की ज़रूरत है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, और उसके लिए एक स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की भी ज़रूरत है, जो बाद में सेटअप किया गया थुम्बा में। थुम्बा कहाँ पर है? थुम्बा है केरला में, विशाखापट्टनम जो है, सॉरी त्रिवेंद्रपुरम जो है उसका एक सबर्ब है थुम्बा,
और त्रिवेंद्रम में आपको बताइए केरला में है। तो ये जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर था SST, इसको बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से इसको रीनेम कर दिया गया VSSC। अच्छा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में और जान लेते हैं। देखिए, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो था उसकी लोकेशन हमने त्रिवेंद्रपुरम में थुम्बा ही क्यों चुनी और कोई लोकेशन क्यों नहीं। क्योंकि देखिए, ये जो थुम्बा जो था ये जियो मैग्नेटिक इक्वेटर के बहुत पास है, दैट इज़ वाई हमने ये लोकेशन चुनी। इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये बस कहीं लिख लीजिएगा या मेमोराइज कर लीजिएगा इसको। आगे यहाँ पर यही लिखा है कि इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम था वो अकेला स्पेस प्रोग्राम था जो शुरू हुआ था सिविलियन डोमेन पे, कोई उसकी मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, कुछ इतना ज़्यादा उसका बड़े उसके एम्बिशन नहीं थे, बस यही था कि किस तरीके से आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे, किस तरीके से हम ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करें जिससे हम वेदर पैटर्न पहले जान लें, या फिर हमारे क्रॉप्स जो ख़राब होते हैं उनको ख़राब होने से रोका जा सके। तो बस बहुत ही एक जो बेसिक रूडिमेंट्री जो एम्बिशंस होते हैं उसी के हिसाब से हमारा स्पेस प्रोग्राम बनाया गया था। और आगे यहाँ पे ये भी लिखा है कि इन द लेट 60s ही, यहाँ पे विक्रम साराभाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ही चॉक्ड आउट अ विजन फॉर स्पेस प्रोग्राम इन द कंट्री विच हैज़ बिकम द बाइबल ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे यही पूछ सकते हैं कि जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम का विजन किसने लिखा था, तो इसका आंसर होगा विक्रम साराभाई। वो स्पेस प्रोग्राम का जो विजन था उसको कहा जाता है, एक तरीके से बाइबल है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है उस विजन को। अच्छा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स कॉमन मैन के लिए कैसे यूजफुल होते हैं? देखिए, उससे हम मैपिंग कर सकते हैं ऑफ कल्टिवेटेड एरियाज़। कल्टिवेटेड एरियाज़ की मैपिंग हम क्यों करेंगे? देखिए, काफ़ी बार अर्ली वार्निंग की ज़रूरत होती है किसी पेस्ट अटैक से बचने के लिए। पेस्ट अटैक होता है, बहुत सारे कीड़ों का झुंड आता है, एक पर्टिकुलर क्रॉप को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, उससे कई हेक्टेयर तक उस पेस्ट अटैक में पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है, और काफ़ी बार किसानों का बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है इन पेस्ट अटैक की वजह से। तो इन पेस्ट अटैक के लिए एक अर्ली वार्निंग फीचर भी हम दे सकते हैं थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स। और इसके अलावा कहीं पर सूखा पड़ने के अगर आसार हो तो उसकी भी अर्ली वार्निंग दी जा सकती है। उसके अलावा आपको राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन के बारे में बताना चाहिए, जिसको इनिशिएट भी इसरो ने किया था। इसमें राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन में क्या करते थे, इसके ज़रिए सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू और साथ में थोड़ा ग्राउंड रिसर्च के थ्रू पानी का जो भंडारण होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता था कि पानी का रिजर्व कहाँ पे है खूब सारा। और एक बार जब पानी मिल जाता था तो वहाँ पर खुदाई करके बोरवेल बनाए जाते थे जिससे किसानों को और वहाँ के जो और लोग हैं पहुँचाए जा सके। ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा था इन स्टेट्स लाइक राजस्थान और मध्य प्रदेश। कई गाँव में यहाँ पर बोरवेल खुदवाए गए और उसकी वजह से पानी जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता रहा, पहले पता ही नहीं था कि पानी है वहाँ पर, अब उनको पता लगा कि वहाँ पे पानी है और तरीके से वहाँ पे जो आम जनता है, लोकल्स हैं वहाँ के, उन तक पानी पहुँचाया गया। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस इतने ज़्यादा है नहीं क्योंकि राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन अब थोड़ा पुराना सा हो गया है, बट सिंस इसरो इन्वॉल्व है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे आर्टिकल में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं अबाउट डॉक्टर विक्रम साराभाई। देखिए, ये बात तो आपको पता ही होगी कि विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम माना जाता है, पिता माना जाता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। ऐसा क्यों है? देखिए, USSR या रशिया USSR ने जब स्पूतनिक सैटेलाइट लॉन्च की थी, जो अर्थ को ऑर्बिट करती थी, सबसे पहली मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी, उसके बाद डॉक्टर साराभाई ने भारत सरकार से बात करनी शुरू कर दी और उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि अब इंडिया का भी अपना स्पेस रिसर्च प्रोग्राम होना चाहिए और ये इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ही अहम है। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था उस वक्त क्योंकि इंडिया अभी अभी आज़ाद हुआ था, कई चैलेंजेस थे उसके सामने। अब इतने सारे चैलेंजेस के बीच में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्पेस रिसर्च इतनी इम्पॉर्टेंट बन जाएगी जो आज के ज़माने में है। मगर डॉक्टर विक्रम साराभाई एक विजनरी थे, उनको पता था कि आने वाले कुछ दशकों के बाद स्पेस रिसर्च एक कंट्री की इकोनॉमी और डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने भारत सरकार को कन्विंस किया और कंटिन्यूस परसुएशन के बाद, लगातार भारत सरकार को गुहार लगाने के बाद, भारत सरकार मान गई इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाने में। इसकी जो एक्रोनिम था वो था इन कॉस्पार। ये बनाया गया था 1962 में और विक्रम साराभाई को इसका फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया। 1962 के इंस्कोपार को ही रीस्ट्रक्चर करके और रीनेम करके
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इसरो 1969 में, और जब इसरो बनाई गई तो वहां पर भी डॉक्टर सारा भाई ने एडवाइजरी रोल की भूमिका निभाई। उसके अलावा आपको यही बताना चाहिए कि डॉक्टर विक्रम सारा भाई रिस्पॉन्सिबल थे केबल टेलीविजन को इंडिया लाने में। उन्होंने काफी हद तक अपने जो कॉन्टैक्ट थे उनके नासा में, उनकी मदद से एक रास्ता बनाया सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट का, SITE 1975 में, और उनकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट आगे बढ़ती रहती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई मास्टरमाइंड थे, मेन उनका दिमाग था बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट आपको पता ही है आर्यभट्टा थी। एंड विक्रम साराभाई को इतना सारा जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया नेशन बिल्डिंग की तरफ, उसके लिए उनको पद्म भूषण मिला। फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, बट एनीवे, सो इनको पद्म भूषण मिला इन 1966 क्योंकि इन्होंने इतनी जो कॉन्ट्रीब्यूशन करी इंडिया की प्रोग्रेस पे। यहाँ पर स्पेस पीछे हो गया, बेसिकली इन्होंने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में ही नहीं, इंडिया की प्रोग्रेस में भी बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई। और बाद में इनकी सर्विस को देखते हुए उनको पद्म विभूषण भी दिया गया 1972 में, पोस्टमसली ऑफ कोर्स, उनके मरने के बाद, जीते जी सिर्फ उनको पद्म भूषण ही मिला था। यहाँ पे डॉक्टर विक्रम साराभाई की एक बहुत ही बढ़िया मैंने कोटेशन दी है, देर आर सम हु क्वेश्चन द रेलिवेंस ऑफ स्पेस एक्टिविटीज इन डेवलपिंग नेशन, टू अस देर इज नो एम्बिग्यूटी ऑफ पर्पस, वी डू नॉट हैव द फैंटेसी ऑफ कम्पीटिंग विद इकोनॉमिकली एडवांस्ड नेशंस इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून और द प्लैनेट्स और मैन स्पेस फ्लाइट, बट वी आर कन्विंस्ड दैट इफ वी आर टू प्ले अ मीनिंगफुल रोल नेशनली and in the community of nations, we must be second to none in the application of advanced technologies to the real problem of man and society. देखिए यहाँ पे इनका क्रक्स ये है कि काफ़ी बार इंडिया जैसी डेवलपिंग, कुछ हद तक कह सकते हो गरीब देशों को उन पर आरोप लगते हैं कि आप क्या इतनी गुर्बत है, इतनी गरीबी है, तो आप ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं टाइम पैसे और रिसोर्सेज की। तो यहाँ पे इन्होंने इसका जवाब दिया है कि इंडिया का जो एम्बिशन है उस वक्त की बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि जो इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली दोनों, जैसे USSR और USA थी उस वक्त, उनके साथ इंडिया कम्पीट नहीं करना चाहता कि मून पे पहले कौन पहुँचेगा या फिर मार्स पे पहले कौन पहुँचेगा। खैर अब हम वो भी करने लग गए हैं, बट उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम बस इंडिया ये चाहता था कि मानवता की भलाई के लिए किस तरीके से हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये इनका जो बेसिक थॉट था उसको काफ़ी अच्छे से इनकैप्सुलेट करती है ये पूरी कोट। आगे बात की गई है इसरो के टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट के बारे में, ये शुरू किया गया था 2001 में। क्यों? क्योंकि देखिए काफ़ी हमारे जो रूरल एरिया होते हैं, गाँव होते हैं, रिमोट एरिया होते हैं, दूर दराज के इलाके या जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहाँ उनको अगर कांटेक्ट करना हो कोई मेजर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो दिल्ली या मुंबई या चेन्नई में हो, तो उसको कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स थ्रू इंडियन सैटेलाइट्स जो इसरो प्रोवाइड करता है। इसरो टेलीमेडिसिन नेटवर्क बहुत सारे रीजन को कवर करता है इन इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारी सेवन सिस्टर्स, और मेनलैंड स्टेट्स में भी काफ़ी जो रिमोट एरिया है जहाँ पर प्रॉपर अभी हॉस्पिटल है नहीं, और किसी पेशेंट को किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर की एडवाइस चाहिए या फिर वहाँ पे उसकी रिपोर्ट्स वो उनको दिखानी है, तो वो ये इंडियन सैटेलाइट्स करा सकती है। केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, इन सब को भी इस टेलीमेडिसिन प्रोग्राम के अंडर कवर किया जाता है। अब आपको यहाँ पे फोटो भी दी हुई है ये काम कैसे करता है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इन्होंने मैगजीन में बढ़िया सी फोटो दी हुई है, आप देख सकते हैं ये है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यहाँ पे वो बढ़िया सुविधाएं नहीं है जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होती है या फिर एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होती है। ऑफकोर्स चलिए सुविधाएं थोड़ी बहुत अगर ना भी हो तो भी चलेगा, वो पैनल ऑफ डॉक्टर्स नहीं होता जिनको पता होता है काफ़ी सारी डिजीज़ या उनके क्योर के बारे में, तो यहाँ से क्या इसरो बीच में आता है अपने टेलीमेडिसिन प्रोग्राम के जरिए, वो जो भी टेस्ट होते हैं पेशेंट्स के वो थ्रू सैटेलाइट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक भेज देता है, और वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैनल ऑफ डॉक्टर्स वो जो टेस्ट होते हैं वो देखता है, और उसी टेस्ट के अनुसार जो भी क्योर या जो भी इलाज बनता है वो बता देता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। तो इससे पेशेंट के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको एक ज़्यादा नॉलेजेबल डॉक्टर्स देख पाते हैं, और ओवरऑल जो रिमोट एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है।
अगले आर्टिकल का टाइटल है एटम्स इन सर्विस ऑफ द नेशन। देखिए बिल्कुल आर्टिकल के नीचे होमी जहांगीर भाभा की एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन दी गई है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ऐसी कंट्रीज़ को इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू डिवेलप बनना है, आगे तरक्की करनी है, तो एटॉमिक एनर्जी उनके लिए सिर्फ एक साधन ही नहीं, एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, एक बहुत ही ज़रा बड़ी ज़रूरत है। उसके बिना वो कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं बन पाएंगे। तो आगे यहाँ पर ये भी लिखा है कि न्यूक्लियर पावर एनर्जी जनरेशन एक तरीके से कह सकते हो आप, उसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है हर सेक्टर में। कैसे? सेफ्टी रिकॉर्ड्स में, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में, कार्बन फुटप्रिंट में, इको फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन क्रिएट नहीं होते न्यूक्लियर रिएक्टर से, और उसके अलावा क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन में भी काफ़ी हद तक किफ़ायती है। बस एक ही मेन इशू है, वो है वेस्ट स्टोरेज का, कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पावर जनरेट होती है तो जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको स्टोर करके रखना होता है। ज़्यादातर इनको अंडरग्राउंड स्टोर करके रखते हैं, जहाँ पे आम जो पब्लिक होती है उससे बहुत दूर रहे, उनकी रीच से काफ़ी दूर रहे, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर वेस्ट लीक हो जाता है तो काफ़ी तबाही मच सकती है उससे। मगर ये भी लिखा है कि ये भी वेल विद इन द रैम्स ऑफ बीइंग मैनेज्ड है, इसको मैनेज किया जा सकता है, और ख़ासकर जो नई जनरेशन आ रही है रिएक्टर्स की, उसमें जो ऑलरेडी वेस्ट जो निकलता था वो और भी मिनिमाइज़ किया जा रहा है, और भी कम हो रहा है वो। आगे आर्टिकल में लिखा है कि इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम की यात्रा शुरू हुई थी 1954 में विद द फाउंडिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ये किसके लीडरशिप में थी? ये थी अंडर द लीडरशिप ऑफ लेजेंडरी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये लेजेंडरी जो इनके नाम के पीछे लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। अभी थोड़ा कुछ पॉइंट डिस्कस करने के बाद डॉक्टर होमी भाभा के बारे में बात करेंगे। साइंटिस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक विजनरी थे। अब देखते हैं किस तरीके से न्यूक्लियर और रेडिएशन टेक्नोलॉजी एक बढ़िया क्वालिटी लाइफ दे सकती है हमारे सिटीजन्स को। सबसे पहले जो हमको पॉइंट डिस्कस करना है वो है हेल्थ। रेडियोथेरेपी काफ़ी मेडिकल कंडीशंस को क्योर करने में इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि कैंसर। इससे हम कमज़ोर या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं टारगेटेड सेल्स। 40 मिलियन से ज़्यादा न्यूक्लियर मेडिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं हर साल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और रेडियो आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ रही है 5% एनुअली। और इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट का स्टेरिलाइजेशन, जो साफ करने का प्रोसेस होता है, उसमें भी रेडियो आइसोटॉप्स का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन में डायग्नोसिस का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है। न्यूक्लियर मेडिसिन ने काफ़ी बार प्रूव कर रखा है कि वो डायग्नोस कर सकता है डिजीज़ेस, जैसे कि कैंसर या फिर जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, जैसे कि अल्जाइमर, जिसमें पेशेंट सब कुछ भूलना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन भी होता है उसको। और उसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़, उसमें तो खैर जो लिम्स की मूवमेंट होती है उस पर कंट्रोल चला जाता है, और स्टिफ मसल्स भी होती है, इट्स रियली बैड। ये दोनों न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो होती हैं, इनका अर्ली स्टेज में डायग्नोस होना बहुत ही क्रिटिकल है अगर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, नहीं तो लेटर स्टेज में ये ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, उनका भी इनिशियल स्टेजेस पे अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उससे ट्रीटमेंट भी शुरू हो सकता है और पेशेंट को भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। आगे आर्टिकल में ब्रेकीथेरेपी की भी बात की गई है। देखिए ब्रेकीथेरेपी में क्या होता है, छोटे रेडियो एक्टिव बार जो ज़्यादातर 4 मिलीमीटर से लंबे नहीं होते, इनको इम्प्लांट किया जाता है अंदर या ट्यूमर के पास, या तो ट्यूमर के बिल्कुल अंदर प्लांट करते हैं या उसके पास, और जब ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, तो ज़्यादातर ये रेडियो एक्टिव बार्स को बाहर निकाल दिया जाता है इमीडिएटली। हालांकि कुछ केसेस में ये जो रेडियो एक्टिव बार्स होते हैं इनको बॉडी के अंदर रहने दिया जाता है फॉर कुछ मिनट्स के लिए या फिर कुछ दिन के लिए भी। इतना वैसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेन आपको अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा ये पूछ लेंगे कि ब्रेकीथेरेपी क्या होती है, आपको पता है न्यूक्लियर मेडिसिन का एक पार्ट है ये, और इसमें रेडियो एक्टिव बार्स यूज़ किए जाते हैं। देखिए इसके अलावा न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है वो है फूड प्रिजर्वेशन में। वो जो यूज़ क्या है वो बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो एग्रीकल्चर सिस्टम है इंडिया का बहुत ही बड़ा है, मगर उसकी एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी भी है।
ट्रेजेडी ये है कि हमारा 30% जो हम खाना प्रोड्यूस करते हैं, हमारे किसान बहुत मेहनत से उसको उगाते हैं, उसका 30% हम खो देते हैं. क्यों? क्योंकि स्पॉयलेज की वजह से, या फिर कीड़े उस पर अटैक कर देते हैं, उसको ढंग से हम रख नहीं पाते, और पुअर कंडीशनिंग की वजह से या तो कंटेमिनेशन हो जाती है या और कुछ रीज़न की वजह से वो बस हम हमारी जनता तक वो खाना नहीं पहुंचा पाते. यहाँ पर आता है इरेडिएशन. मेन आपको याद रखना है, इरेडिएशन रिलेटेड है फूड प्रजर्वेशन से. फूड प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्टेड टू अ लो डोजेज ऑफ रेडिएशन. इसमें क्या होता है कि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बहुत एक लो डोजेज दी जाती है रेडिएशन की, ताकि वो ट्रीट हो जाए और जर्म्स और इंसेक्ट्स उन पे ना लग पाए. इससे क्या होगा कि उनकी जो लॉन्गजिविटी है वो बढ़ेगी और उनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. हालांकि ये अभी भी काफ़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है. कई लोग मानते हैं कि ये लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, मगर सो फार जो भी हमने टेस्ट किए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने टेस्ट किए हैं इरेडिएशन के ऊपर, वो ये बताते हैं कि इरेडिएशन सेफ़ है, और शायद फ्यूचर में इरेडिएशन ही हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को और आगे लेके जाएगी. सिंस हम रेडिएशन के वेरियस यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके देखते हैं. 2012 में आया था ये प्रीलिम्स में. देखिए, ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी सही हैं, कौन सी वाली गलत हैं. मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. पहला तो ये है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है वो वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम में किस तरीके से काम करती है, क्या रोल निभाती है. वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मार देती है या उनको इनएक्टिव बना देती है. सेकेंड है कि वो जो बदबू आती है पानी से, अनडिज़ायरेबल ऑडर्स, उसको हटा देती है. तीसरा है कि जो सेडिमेंटेशन होती है सॉलिड पार्टिकल्स की, वो क्विकन कर देती है, जल्दी होती है वो. और उसके अलावा वाटर की क्लैरिटी भी अच्छी कर देती है, वाटर चमक के आता है. तो आपको बताना है इसमें कौन से सही है. ओके, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा. इसका आंसर देखिए, जो स्टेटमेंट थ्री है गलत है, कोई बदबू नहीं उठाता. सॉरी, स्टेटमेंट टू गलत है, कोई बदबू नहीं उठाता. स्टेटमेंट थ्री भी गलत है, कुछ ऐसी क्लैरिटी वाला कुछ नहीं आती. ओनली स्टेटमेंट वन इज राइट, सो द आंसर इज वन. आगे बढ़ने से पहले होमी भाभा के बारे में, डॉक्टर होमी भाभा के बारे में कुछ जान लेते हैं. देखिए, पहले तो आपको ये बताना चाहिए, ये फर्स्ट चेयरमैन थे ऑफ फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी. ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन थे फर्स्ट चेयरमैन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो हुई थी 1955 में. आगे इनके बारे में ये बताना चाहिए कि ये फाउंडर एंड क्रिएटर थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के. दोनों बहुत ही बड़े अपने आप में इंस्टीट्यूट्स हैं. उसके अलावा इनको एडम्स प्राइज भी मिला था 1942 में. एडम्स प्राइज कौन देता है? एडम्स प्राइज देता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. और पद्मा भूषण भी मिला था इनको 1954 में. और इसके अलावा वेल एडिशनल फैक्ट है, कोई इससे कोई क्वेश्चन दोनों है नहीं, पर ये सारी उम्र बैचलर रहे थे, शादी नहीं करी थी. बड़ा सा बंगलो था इनका, ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का. और बस इन्होंने सारा जो टाइम था अपना साइंस को डिवोट कर दिया. अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई थी इन अ प्लेन क्रैश, शायद स्विट्जरलैंड में हुई थी. और हाँ, उससे वाला क्वेश्चन तो आना है नहीं. मेन आपको याद रखना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में. अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको बार्क भी कहते हैं, ये कहाँ पे है? मुंबई, केरला, गुजरात, तमिलनाडु? ये आपको पता होना चाहिए, ये है मुंबई में. अगले आर्टिकल का टाइटल है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन. देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा है कि सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हमारे 52% वर्कफोर्स को, जो एक बहुत ही बड़ी संख्या है. मगर हालांकि 52% वर्कफोर्स को रोजगार प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, मगर उसमें से जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया की टोटल जीडीपी पे, वो सिर्फ 14% है. बट स्टिल एग्रीकल्चर सेक्टर इसके बावजूद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और काफ़ी हद तक उसने इम्प्रूवमेंट भी दिखाई है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई है पिछले 50 सालों में, 1965 से लेकर 2015 तक. कैसे? आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ इन द मिड 60s में, खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमने लगातार नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करी है, और उसकी वजह से हमारे जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें साल बर साल इजाफा ही हुआ है. आगे इंडियन रिसर्च सिस्टम और इंटेंसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है. सबसे पहले तो ये बताया गया कि एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम जो है इंडिया का, वो बेसिकली तीन टीयर सिस्टम है. तीन जो उसके लेवल हैं वो ये है.
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये टॉप लेवल है, एपेक्स मतलब टॉप्स, टॉप लेवल पे ये मैनेज करता है इंडिया की एग्रीकल्चरल रिसर्च। और उसके बाद स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज होती हैं स्टेट लेवल पे, और फिर फाइनली है प्राइवेट सेक्टर। आगे देखिए ICAR को बहुत ही एक एलैबोरेट ढंग से समझाया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है ऑल ओवर द कंट्री, 100 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स हैं इनके ऑल ओवर इंडिया। और जो ICAR के प्रेसिडेंट कौन है, राधा मोहन सिंह। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि जो ICAR का प्रेसिडेंट होता है वो यूनियन मिनिस्टर होता है ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत ही बड़ी मिनिस्ट्री है आपको पता ही होगा। तो सीधी सी बात है, प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए ICAR का प्रेसिडेंट कौन है। अब आपको लगेगा ये कह रहे पूछ सकते हैं, मुझे क्या पता कि कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट कौन है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एक यूनियन मिनिस्टर भी हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इसके मेन हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में हैं, और एक ऑटोनोमस बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, और इट रिपोर्ट्स टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। आगे बताया गया है कि ICAR और ऐसी जो अन्य संस्थाएं हैं, अन्य इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके काम से फ़र्क क्या पड़ता है, कि ये जो हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उससे क्या सही में हमारी जो क्रॉप की यील्ड है, उत्पादन जो क्या होता है वो बढ़ता है। जी हाँ, होता है। एनालिसिस ने दिखाया है दैट एडेड प्रोडक्शन ऑफ 4.23 लाख टन्स ऑफ पैडी, पैडी क्या होता है, पैडी होती है वो धान जिससे बाद में चावल बनाया जाता है, तो इसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है। और उसके अलावा वीट में भी 5.90 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। ये अचीवमेंट हमने पाई है ड्यूरिंग 1975 टू 2005, जिसमें बहुत ही तेज़ी से इजाफा हुआ प्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। पैसे की अगर हम बात करें इसमें, चलो ठीक है टर्न वन दिख गया, पर मॉनेटरी गेन क्या है, एंड में पैसे कितने आए। देखिए, इससे एडिशनल प्रोडक्शन से एस्टिमेट किया जाता है कि 241 करोड़ और 636 करोड़ रुपीज़ का मुनाफा हुआ रिस्पेक्टिवली। अगले आर्टिकल का टाइटल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये देखिए, यहाँ पे आर्टिकल की शुरुआत में लिखा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको यहाँ पे लिखा है सिटीजन्स प्रेसिडेंट, आम आदमी के प्रेसिडेंट, इनकी एक विजन थी इंडिया के लिए, इंडिया 2020। टीफैक की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो अब्दुल कलाम साहब की विजन थी उसको यूज़ किया जाए और इंडिया को कैटापोल्ट देखिए, एक वैसे तो एक पुराने ज़माने में मशीन होती थी किले को अटैक करने के लिए, पर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इंडिया को लॉन्च किया जाए टू अ डेवलप्ड नेशन, कि किस तरीके से इंडिया यू नो लॉन्च करके सीधा एक डेवलप्ड नेशन बन जाए इस विजन 2020 के अनुसार। तो विजन 2035 बनाई गई थी इंडिया के लिए, और इसमें खूब सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं और इनको कैटेगराइज किया गया है गैलोपिंग, कैंटरिंग, ट्रॉटिंग, वॉकिंग के रूप में। गैलोपिंग होता है घोड़े की तरह मतलब फुल स्पीड से दौड़ना, बहुत तेज़ी से दौड़ना। कैंटरिंग गैलोपिंग से हल्का सा स्लो होता है, और ट्रॉटिंग कैंटरिंग से हल्का स्लो होता है पर वॉकिंग से फिर भी तेज होता है, और वॉकिंग तो आपको पता ही है बस चलना। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं या सेक्टर्स हैं वो कैटेगराइज किए गए। टेलीकम्युनिकेशंस, न्यूक्लियर मिसाइल्स, लाइफ साइंसेस में पाया गया कि इंडिया गैलोप कर रहा है। एक्चुअली न्यूक्लियर अलग है, मिसाइल्स अलग है, तो न्यूक्लियर फील्ड और मिसाइल्स और लाइफ साइंसेस में पाया गया कि इंडिया गैलोप कर रहा है, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। और उसके बाद कंट्री को कैंटर करते हुए पाया गया विद रिस्पेक्ट टू केमिकल प्रोसेसेस, क्योंकि इंडिया आज भी एक नेट इम्पोर्टर है ऑफ केमिकल्स। उसके बाद इंडिया ट्रॉट कैंटर्स का थोड़ा आराम से चलना होता है, गैलोपिंग से रोकर काफ़ी कम होता है ट्रॉट, तो इंडिया ट्रॉट करते हुए पाया गया फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा जो 1/3 ऑफ हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। और फिर लास्ट में इंडिया बिल्कुल वॉक करते हुए पाया गया, वॉक तो खैर गैलोपिंग से बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, इंडिया वॉक करते हुए पाया गया इन टर्म्स ऑफ इनएडिक्वेट वाटरवेज, जो अब हम थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर भी रहे हैं थ्रू सागरमाला प्रोजेक्ट एंड ऑल। और उसके अलावा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भी हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत आपको पता ही है, मुझे ज़्यादा उसके बारे में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है नहीं। किसी को भी इलाज कराना होता है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाता है, और वहाँ पर बहुत ही हाई चार्जेस होते हैं उनके। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बहुत ही इनएडिक्वेट है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो खैर
गवर्नमेंट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, तो ये बहुत ही एक ज़रूरी है कंट्री की पॉपुलेशन के लिए। आगे देखिए आर्टिकल में ये टेबल दिया गया है जिसमें एरियाज बताए गए हैं कि किन किन एरियाज में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है क्या क्या। फॉर एग्जांपल अर्बन एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्या है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें अभी जो एक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी हम मान के चल रहे हैं 2025 तक आएगी, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ सेग्रीगेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉम्पैक्टिंग सिस्टम, और 2035 तक हम मान के चल रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एट सोर्स, बहुत ही अर्ली स्टेज पे ही जो वेस्ट होता है उसकी ट्रीटमेंट कर दी जाएगी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है तो इसका जो एक्सपेक्टेड जो समाधान होगा ये होगा कि कॉस्ट इफेक्टिव रिकवरी ऑफ प्रीशियस मेटल। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर जो प्रीशियस मेटल होते हैं उसमें से सस्ते में जो मेटल्स होते हैं उनको निकालना। और 2035 तक हम मान के चल रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, पुराना किसी का फ़ोन होता है, किसी का कोई कोई कंप्यूटर होता है, कोई स्क्रीन होती है वगैरह, तो उस टेक्नोलॉजी को 100% रीयूज किया जा सकेगा 2035 तक। उसके अलावा खूब सारे और एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का। तो यहाँ पे 2025 तक मान के चल रहे हैं कि लो कॉस्ट ट्रीटमेंट आएगा एट सोर्स टू मेक इट ए रिसोर्स मटीरियल। और उसके अलावा 2035 तक तो ये मान के चल रहे हैं कि कोई वेस्ट होगा ही नहीं, सब कुछ रिसाइकिल किया जाएगा। आगे आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया ने बहुत सारी ग्लोबल कमिटमेंट्स कर रखी हैं जिसमें साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, जैसे कि हमारा जो INDC है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। रिसेंटली इंडिया ने जो पेरिस एग्रीमेंट रेटिफाई किया है उसमें इंडिया ने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए हैं, जैसे कि 33 से 35% तक रिडक्शन करेगा इंडिया ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस की, और उसके अलावा 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम करेगा बाय 2030 फ्रॉम फॉरेस्ट्री सेक्टर। ये हमने कमिटमेंट किसको करी है, टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के अंडर जो हमारी कॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल, अभी रिसेंटली जो मराकेश में हुई थी मोरक्को में, वो इसी फ्रेमवर्क के अंडर होती है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि अराउंड 2/3 ऑफ द टारगेट ये हम अचीव कर सकते हैं अगर हम एफॉरेस्ट्रेशन और ज़्यादा ट्रीज प्लांट करें, कितने पे, 5 मिलियन हेक्टेयर नॉन फॉरेस्ट लैंड पे। बाकी और भी कमिटमेंट्स हैं UNFCCC के अलावा, जैसे कि CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रामसर कन्वेंशन फॉर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑन इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, और इसके अलावा UNCCD भी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। आई थिंक UNFCCC और UNCCD दोनों के दोनों रियो अर्थ समिट के दौरान ही निकले थे। और उसके बाद CMS भी है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। तो इन सब में साइंटिफिक रिसर्च बहुत ही एक अहम भूमिका निभाएगी। और इसी के साथ वी हैव रीच द एंड ऑफ आर वेरी लॉन्ग वीडियो। हिट द लाइक बटन और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पे या जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं इफ़ पॉसिबल। हमें एक ज़्यादा बड़ी ऑडियंस हम इससे रीच कर पाएंगे। और अगर आप ये मैसेज देख पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने पूरी वीडियो ही देख ली होगी मोस्ट प्रोबेबली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और आई विश यू लक फॉर योर कंपेरेटिव एग्जामिनेशंस।